अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रिमशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो जो मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने रिव्यू शेयर करना था, बट मैं जो है इस प्रोडक्ट को यूज़ करती थी और इसकी रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो है वाइब्रेंट कॉस्मेटिक का ये बल्गेरियन ऑयल। तो ये जो है उसका बॉक्स है, उसकी पैकेजिंग जो है कुछ इस टाइप की है एंड इसी का ही आज हम रिव्यू करने वाले हैं। सो इसकी जो पैकेजिंग है ना वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी है, बिकॉज इन्होंने बॉक्स पे जो है सब कुछ बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। यहाँ पे जो है हर चीज़ बहुत ही डिटेल से मेंशन की हुई है। सो इसके जो है बॉक्स पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें उन्होंने दिया हुआ है कि इसका जो है बल्गेरियन रोज ऑयल फेशियल ऑयल, उसके बारे में डिटेल से हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, रिफ्रेश नरिश योर स्किन, मीन्स सब कुछ जो है उन्होंने हमें डिटेल से यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें डायरेक्शन दी हुई है कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। क्लीन फेस एंड हैंड्स थ्रू अप्लाई ऑयल ऑन फिंगर टिप्स। तो जो हम इसको अपने फेस नेक एंड स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में यूज कर सकते हैं। तो इस पे हमारा सब डिटेल उन्हें, उसके बाद इन्होंने टिप्स दी हुई हैं हमें और कॉशंस दिए हुए हैं, इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद अपना जो है इन्होंने यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। सो ये है इसका फ्रंट साइड, ये देखें, ये वाइब्रेंट कॉस्मेटिक का है, बल्गेरियन रोज ऑयल फेशियल ऑयल नेचुरल फ्रेग्रेंस फ्री। और उसके इस साइड पे इन्होंने भी हमें वो बताया हुआ है कि ये क्या क्या है, बल्गेरियन रोज ऑयल डे सॉल्यूशन मॉइस्चराइजर एंटी एजिंग ऑल स्किन टाइप। तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। अब जो है मैं इसकी बॉटल आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखें, तो बॉटल के ऊपर भी यही लिखा हुआ है, एंटी एजिंग जो है मॉइस्चराइजर एंड ऑल स्किन टाइप, एंड फ्रंट पे भी हमें इस तरह से दिया हुआ है बल्गेरियन। अब जो है मैं इसको इसकी जो कंसिस्टेंसी वगैरह है वो आप लोगों के साथ शो कर देती हूँ। सो ये देखें, ये है इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी जो है इस पे लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस फ्री, लेकिन जो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस आती है वो जिसमें ग्रीन टी की होती है, बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छी। और ये देखें, ये है इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ही रनी है, इसकी थिन कंसिस्टेंसी है जो इजीली जो है एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे फेस में। ये देखें, मैंने अभी इसको कितना यूज किया, ऑलमोस्ट एक मंथ हो गया मैं यूज कर रही हूँ और ये सिर्फ इतनी सी अमाउंट में यूज हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमें दिया हुआ है। सो आप लोगों के साथ जो है मैं यहाँ पे एक बात शेयर कर लूँ, मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और गर्मियों में मुझे कुछ भी सूट नहीं करता, मीन्स कोई भी सीरम वगैरह मैं यूज करती हूँ तो मुझे पिंपल वगैरह हो जाते हैं, चाहे वो किस भी अच्छे से अच्छे ब्रांड का हो या चाहे जो भी हो। मुझे सर्दियों में मुझे सीरम जो है हमेशा सूट करते हैं, गर्मियों में कभी भी नहीं करते। लेकिन ये वाला जो सीरम है ये मैं यूज कर रही हूँ, ये मैं गर्मियों में यूज कर रही हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी तक एक भी पिंपल नहीं हुआ। सो इसको जो है मैं मोस्टली यूज करती हूँ अपने मेकअप से पहले, ताकि मेरा जो फाउंडेशन वगैरह है वो इजिली ब्लेंड हो जाए और मेरा फेस जो है वो अच्छी तरह मॉइस्चराइज भी हो जाए। और ज़्यादातर जो मैं इसको यूज़ करती हूँ वो मैं नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ, जब मैं अपना मुंह वगैरह रात को सोने से पहले जो है उसको धोती हूँ, देन मैं इस अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ इस सीरम के साथ। सो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसको हम खरीद कैसे सकते हैं, तो ये किसी भी आपको अच्छी कॉस्मेटिक शॉप से भी मिल जाएगा, उसके अलावा जो है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं जो इनकी वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं तो वहां से इसको खरीद। सो इसकी जो प्राइस है वो है पाकिस्तानी रुपीज में 2700 रुपीज, 2700 या 2800 है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। अगर आप लोगों के माइंड में आता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप इसकी क्वांटिटी भी देखें, ये जो है हमें 2700-2800 में जो है 100 ml मिल रहा है और ये इतनी आसानी से जो है खत्म होने वाला नहीं। सो आई होप यू गाइज लाइक माई रिव्यू, अगर पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।